दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल दिलसाज यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा इनकम टैक्स की साइट से आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट से पैन कार्ड डाउनलोड करना बहुत ही आसान है और बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको एक भी रुपया नहीं देना होता है। लेकिन अगर आपने NSDL की साइट से अपना पैन कार्ड बनवाया है या फिर आपने UTI की साइट से अपना पैन कार्ड बनवाया है तो आप इनकम टैक्स की साइट से अपना पैन कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आपको एरर आ जाएगा। इनकम टैक्स की साइट से आप फ्री में अपना पैन कार्ड तभी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पैन कार्ड के पीछे यहाँ पर ये ईमेल आईडी आ रही है epan@incometax.gov.in। आपका जो पैन कार्ड है अगर वो इनकम टैक्स की साइट से बना है तो यहाँ पर ये मेल आईडी शो होती है। अब हम जान लेते हैं इनकम टैक्स की साइट से आप अपना पैन कार्ड को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इनकम टैक्स की साइट से अपने पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर या फिर कंप्यूटर के ब्राउजर को ओपन कर लेना है, आपका कोई सा भी ब्राउजर। सिंपल आपको गूगल में सर्च करना है पैन कार्ड डाउनलोड। जैसे आप यहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड सर्च करेंगे तो यहाँ पर काफी सारी साइट आ जाएंगी। NSDL की साइट भी यहाँ पर आ जाएगी, UTI की वेबसाइट भी यहाँ पर आ जाएगी और नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की साइट दिखाई देगी। आपको सिंपल यहाँ पर इनकम टैक्स की साइट को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको फ्री में अपना पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए इंस्टेंट ई पिन पर टच करना है। जैसे आप यहाँ पर स्टेट ई पिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर गेट न्यू ई पिन पर टच करने के बाद आप एक नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन अपना पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक फीचर दिया गया है चेक स्टेटस डाउनलोड पैन, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करना है और कंटिन्यू पर टच करने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और अपना आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करना है और कंटिन्यू पर टच करने के बाद आपके उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपके आधार नंबर से रजिस्टर है और वो OTP आपको यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करना है और फिर उसके बाद आपके सामने अगला पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा करंट स्टेटस ऑफ योर न्यू ए पिन रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर आपको एक फीचर दिखाई देगा डाउनलोड ई पैन। आप यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड ई पैन पर टच करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा और आपका जो पैन कार्ड है वो पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहेगा और आपके पैन कार्ड को ओपन करने के लिए PDF फाइल का जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आपका जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थडे होगा। सबसे पहले आपको अपना जन्मदिन का डे डालना है, उसके बाद मंथ डालना है और उसके बाद आपको ईयर डालना है बिना किसी कॉलम के, आपको बीच में डॉट या फिर स्लैश नहीं लगाना है और फिर आपका जो पैन कार्ड है वो PDF के रूप में कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और इस पैन कार्ड की मान्यता उतनी ही होगी जितनी आपके ओरिजिनल पैन कार्ड की होती है। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट आपके पैन कार्ड का ये है और बैक आपके पैन कार्ड का ये होगा। आप इतने एरिया को कटिंग करने के बाद अपने यूज में ला सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से इनकम टैक्स की साइट से अपने पैन कार्ड को आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाज को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।